subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वीडियो का एंड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, वे एंड बिल्कुल ही मिस ना करें दोस्तों। अगर आप नॉर्मल वीडियो से 4K वीडियो बनाना चाहते हो तो आज के वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए होने वाले हैं। और जी हां दोस्तों, आज के वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ बताने वाला हूँ कि आप किसी तरह नॉर्मल वीडियो को 4K वीडियो एडिट करना कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप किसी भी नॉर्मल वीडियो से 4K वीडियो बना सकते हो। बहुत ही ईजी ट्रिक्स मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो यार, वीडियो को कहीं पर भी मिस ना करें, आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल के और नई वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्यारे भाइयों, आपके एक लाइक करने से कुछ जाने वाला नहीं, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब इसे वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले आप कैपकट को ओपन करें। कैपकट का अपडेट वर्जन आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि अपडेट वर्जन में जो फीचर आए हुए हैं वो सबसे बेस्ट है। तो अभी से आप प्ले स्टोर से इसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद सिंपल सा इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। अब जहां पर भी आपकी वीडियो होगी, फर्ज करें यहाँ पर मेरी सिंपल सी वीडियो है, तो मैं इसको उड़ा के लेकर आता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप इसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, बहुत ही डार्क भी है और दोस्तों इसकी क्वालिटी 4K में भी नहीं है। तो सिंपल सा इसकी वीडियो, इसी वीडियो से हम 4K वाले बनाना चाहते हो। सिंपल सा इसका लास्ट पार्ट काम करेंगे डिलीट। लास्ट डिलीट करने के बाद हमारे पास ये सिंपल सी वीडियो आ चुकी है। अब यहां पर आपने क्या कर देना है, सिंपल सा लोग आप देख सकते हो। यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नीचे आपने आना है और यहां पर एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपल सा आप एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर ग्राफ पे क्लिक करें। ग्राफ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एडिटिंग अगर आपने पहले किसी भी वीडियो में देखी होगी तो उससे ये डिफरेंट है दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें, इसी वजह से कि ये मैंने आप पहले ही देखी थी किसी और वीडियो में। सिंपल सा यहां पर बहुत से दोस्तों को ऐसी वीडियो मिल जाएगी कि यही सेटिंग आपको बताया जाता है हर वीडियो में, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आप दोस्तों को कुछ न्यू बताने वाला हूं। सो सिंपल सा दोस्तों, ये सब करने के बाद आपने पीछे आना है और बैक जाना है, और यहां पर दोस्तों इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो इफेक्ट पे आना है। अब यहां पर बेसिक पे जाना है और बेसिक पे दोस्तों आपको ब्लर का एक इफेक्ट मिल जाता है, उस इफेक्ट को दोस्तों आपने अप्लाई कर देना है। ब्लर के इफेक्ट को दोस्तों आपने फुल के फुल वीडियो पे अप्लाई कर देना है, और फुल के फुल वीडियो पे अप्लाई करने के बाद सिंपल सा इस वीडियो को दोस्तों आपने सेव कर देना है। अब इस वीडियो को आप सेव कर लो। सेव करने के बाद दोस्तों आपने पेड़ से जो इसका न्यू पार्ट है वो आपने उठा लेके ले कराना है। सिंपल सा दोस्तों, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ ये आप किस तरह एडिट कर सकते हो। बहुत ईजी है, कोई भी बंदा यार कर सकता है। दोस्तों हमारे वीडियो सेव हो चुके हैं। अभी इसको हमें पीर से दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे आना है, और इस वीडियो को दोस्तों जो हमने एडिट की थी उस वीडियो को नहीं, बल्कि इसका जो फर्स्ट वाला लायर था उसको हम पीर से यहाँ पर पिक करेंगे। सिंपल सा हम इसको पिक करेंगे, और यहाँ से पिक करने के बाद इसका बैक पार्ट इसी तरह डिलीट करेंगे। और यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन नीचे मिलता है, तो ओवरले पे क्लिक कर देना है। एड और प्ले पे आना है। अब जहां पर भी आपकी वीडियो है जो आपने अभी सेव की थी उसको यहां पर पिक कर देना, ठीक है। हमारी वीडियो फुल आ चुकी है, अब इसको फिट स्क्रीन कर देना है। फिट स्क्रीन करने के बाद इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। स्लाइस पे आपने क्लिक कर देना है, और ब्रांड पे क्लिक कर देना है। ब्रांड को दोस्तों आपने 24-25 पे रख देना है। 24 पे सही है, सो 24 पे आपने लग देना है। उसके बाद दोस्तों आपने एड पे फिर से जाना है। अब यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से दोस्तों ये वाइट कलर का आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, उसको आपने अप्लाई कर देना है पूरे के पूरे वीडियोज पर। आप पूरे के पूरे वीडियो पर ये अप्लाई करने के बाद सिंपल सा दोस्तों इसका जो अनयूज पार्ट है इसको दोस्तों आपने रिमूव कर देना है। रिमूव किस तरह करोगे, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, इसको कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद दोस्तों इस पर भी आपने क्लिक कर देना है, और स्पाइस पे आपने जाना है, और ले पे क्लिक कर देना है। और ले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको ज़्यादा और कम कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा आ चुका है। अब इस पर फास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी इस पर आपने क्लिक कर देना है, और एडजस्ट पे आपने आना है। एडजस्ट पे आपने आने के बाद सिंपल थोड़ा सा ब्राइटनेस आपने देना है, और दोस्तों स्ट्रक्शन भी आपने देना है, और यहाँ पर दोस्तों एक्सपोज भी आप चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद शार्पिंग को भी आपने थोड़ा सा हाई कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हाईलाइट्स का, हाईलाइट को आप शेड को भी कर सकते हो। टेम्प पे आपने क्लिक कर देना, और टेम्प को थोड़ा सा पीछे के मनफी एड पे क्लिक कर देना है। अब अपनी वीडियो का दोस्तों आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, आपकी मुकम्मल वीडियो दोस्तों 4K में एडिट हो चुकी है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पर अल्लाह हाफिज़।